I'll be the last. हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले। ये हमने मेन एंट्री जो गेट नंबर 2 है यहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो ये हमारे आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड ले जाना बहुत मैंडेटरी है। जगह जगह चेकिंग होती है और टिकट जो हमारी थी उसका प्रिंट आउट हमने निकाला हुआ था वो इन्होंने चेक किया। आफ्टर दैट हमने एक एटीएम जैसी मशीन देखी जो हम सेल्फ चेक इन कर सकते थे, इसमें अपनी सीट्स हैं और जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं वो यहाँ से अपना बोर्डिंग पास और बैग पे टैग लगाए जाते हैं तो उसको यहाँ से हम निकाल सकते थे। तो ये बैग के टैग आ गए ना, बैग टैग आ गए, वो बोर्डिंग पास भी आ गया। गाइस बोर्डिंग पास हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। काउंटर पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कितना रश हो रहा है। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी तरह फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, बट गाइस हमने ये सोचा था कि हमने इस क्राउड को अवॉइड कर दिया है और हमने अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लिया, बट वी वर रॉन्ग। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ से बोर्डिंग पास और बैग टैग तो निकाल लिया बट हमें लगेज ड्रॉप करने के लिए उस लाइन में लगना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे बोर्डिंग पास पे क्या आया था कि दोनों जो श्रद्धा मेरा नेम है श्रद्धा दुबे, तो वो दोनों बोर्डिंग पास पे दोनों मेरा ही निकल गया था, हस्बैंड का निकला ही नहीं था। तो फिर वहाँ पे एक गार्ड भैया थे, हमने उनको बोला तो उन्होंने वो सही करके दिया। फिर हम क्या नादान परिंदे लाइन में खड़े रहे अपना लगेज सबमिट कराने के लिए। गाइस हमारे पास विंडो सीट नहीं थी, हमें नहीं मिली थी, इसलिए वी आर कन्विंसिंग कि वो मेरे हस्बैंड कन्विंस कर रहे हैं कि हमें विंडो सीट मिल जाए। और भाई बंदे ने अपनी मीठी मीठी बातों से कन्विंस ही कर लिया और विंडो सीट जो थी वो ले ली। तो यहाँ पर आप अपना ऐसे लगेज ड्रॉप करते हो, बैग टैग लगा दिए जाते हैं और आपका जो लगेज है वो आगे चला जाता है फ्लाइट में यहीं से। नाउ वी गॉट आवर बोर्डिंग पास, आप इससे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एटीएम जैसे दिखने वाली मशीन से निकालते हैं, आप डायरेक्ट इस विंडो पर भी आके ले सकते हैं। कैसे चेंज कर दिए बेबी? उसको रिक्वेस्ट करी थी भैया चेंज कर दो, तो उसने हमारा चेंज कर दिया। अब उसने जो हमें नई सीट्स दी है ना वो सारी बड़ी सीट्स दी है, वो भी एक्सेल सीट्स होती है, लेग स्पेस वाली। चलो ठीक है, आपके बर्थडे पे में जो है मैं नहीं आपको दिखा सकती, प्लस हमारा जो फोन है वो भी मशीन के अंदर से निकल गया था, फोन ही नहीं रहेगा, कैमरा फोन सबकी चेकिंग होती है तो यहाँ पे वीडियो शूट करना पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ मैं आपको यहाँ पे क्वेरी दे सकती हूँ कि आपके शूज जो भी आप पहन के जा रहे हो वो सब उतार के, इस तरीके की ट्रे है, फोन चार्जर शूज सब कुछ आपको उसमें रखना होता है, फिर वो मशीन से चेकिंग होती है। आगे ऑल गेट्स लिखा हुआ है, आपको सब जो नॉलेज है एयरपोर्ट की वो मेंशन होती है जगह जगह, आप एरो को फॉलो करके भी जा सकते हैं। मैं तो पर्टिकुलर एरो को फॉलो करते हुए जा रही थी, उसके सामने ही देखिए मेरा गेट है 22 से, जो बोर्डिंग पास पे लिखा होता है कि आपको किस गेट की साइड जाना है, तो गेट 22 था। तो ऐसे ही फॉलो करते करते हम गेट फॉलो करते करते चले गए। यहाँ पर काफी सारे शॉप्स वगैरह हैं, शोरूम है, कुछ परचेज करना है, कुछ खाना पीना है तो वो भी है, प्लस आप ऐसे स्क्रीन विंडो होती है हर एयरपोर्ट पर होती है, तो दिल्ली का एयरपोर्ट है तो यहाँ पे चेकिंग बहुत ज्यादा रफ एंड टफ थी, अदरवाइज जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट पे इतनी नहीं थी। ये हमारा घर से वीडियो कॉल आ गया था, उसके इस विंडो के थ्रू आप देख सकते हैं फ्लाइट्स को आते हुए एंड जाते हुए बहुत इजीली, यहाँ से देख सकते हैं अगर आपने देखना चाहो तो। ये मॉर्निंग का टाइम है अराउंड 6:30 o'clock, ये हमारी फ्लाइट खड़ी है। हमारी फ्लाइट का टाइमिंग था 6:55, तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है आपको। और अब आप सोचोगे 2 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे, भाई हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे अपने घर से 4 o'clock, हम 5 o'clock तक पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, इसलिए भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पे सब्वे से सैंडविच जो था वो कस्टमाइज करवाया। उसके बाद 30 मिनट्स पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो फ्लाइट से अंदर जाने से पहले आपके बोर्डिंग पास फिर से चेक होते हैं। बस अब हमने यहाँ पे अपने बोर्डिंग पास चेक करवा लिए, नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द फ्लाइट। आर यू एक्साइटेड बेबी? यस मैम। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे कि आप 7 kg तक का आप जो बैकपैक होता है वो कैरी कर सकते हैं, हैंडबैग कैरी कर सकते हैं। विदाउट गॉसिपिंग तो हमारी चलती ही नहीं है, हमारी ट्रैवलिंग होती ही नहीं है, मजे लेते रहते हैं हम। सामने आप देख सकते हैं फ्लाइट का गेट है, यहाँ पे लास्ट हमारे बोर्डिंग पास चेक हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग लगेज ले जब ऑलरेडी सबमिट हो गया है तो ये लेके कैसे जा रहे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आप बैकपैक में नोटिस कर रहे होंगे, और सामने देखो जो सीट्स है उसके ऊपर लगेज रखा हुआ है उसमें भी मोस्टली बैग्स बैकपैक वाले हैं, और जो ट्रॉली है तो 7 kg तक का वेट अलाउड है, इससे ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते।
होप सो गाइस आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई हो, और फिर भी कोई डाउट है क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी इंस्टा आईडी गिवन है स्क्रीन पे, आप उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैप्पी जर्नी टू ऑल ऑफ यू।